आपको याद होगा मैं इसे काफी मंथ से यूज कर रहा हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे इसकी डिस्प्ले की। इसमें आपको 6.67 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है, ओलेड डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, 10 बिट वाली डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले के मामले में काफी जबरदस्त है। आपको 1 बिलियन से भी ज्यादा कलर कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं देखने को। गाइस परफॉर्मेंस के लिए इसमें लगा हुआ है मीडियाटेक डोमेस्टी 800U जो कि काफी अच्छा परफॉर्म करता है। दोस्तों सबसे बढ़िया बात यहां पर यह है कि यह फोन हीट नहीं होता है। मोटो ने इसमें कुछ जादू करके भेजा है, लेकिन इसमें 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म नहीं होता है, तो ये काफी अच्छा पॉइंट है। अगर बात करूं इसकी 5G की, दोस्तों 5G में सबसे ज्यादा अच्छा फोन है क्योंकि इसमें 13 बैंड आते हैं। इंडिया में 12 लॉन्च हुए हैं जिसमें से 8 बैंड इसमें सपोर्ट करते हैं, तो ये काफी अच्छा पॉइंट है। दोस्तों अगर बात करें इसकी बैटरी की, तो इसमें 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। 185 ग्राम का ये फोन है दोस्तों, बहुत ज्यादा लाइट वेट है और 5000 के हिसाब से काफी ज्यादा लाइट वेट है। अगर बात करूं चार्जर की, तो 30 वॉट का टर्बो फास्ट चार्जर मिल जाता है जो कि अगेन काफी अच्छा पॉइंट है। इसमें स्टॉक एंड्रॉइड मिल जाता है, अभी करंटली ये एंड्रॉइड 12 के ऊपर है, तो ये भी एक बहुत जबरदस्त पॉइंट है। दोस्तों अगर बात करें इसके थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स की, तो 108 मेगापिक्सल का रियर साइड के लिए और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट के लिए, दोनों ही कैमरास में आपको एक चीज की दिक्कत देखने को मिलती है, नाइट फोटोग्राफी इतनी अच्छी नहीं हो पाती है, स्मूथ पिक्चर्स लेता है, 4 पैचेस नहीं आ पाते हैं। अगर बात करूं इसमें दूसरी कमी की, तो वो आती है स्पीकर की। स्पीकर इसमें मोनो स्पीकर आता है, अगर डुअल स्पीकर होता, स्टीरियो स्पीकर होता, वो ज्यादा जबरदस्त रहता मेरे हिसाब से। एक और पॉइंट की बात करूं, तो यहां पर इसकी जो ब्राइटनेस है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, ब्राइटनेस में थोड़ी सी कमी है। अगर मैं अभी दिखाऊं आपको, तो ये 33% मैंने ब्राइट किया हुआ, तभी आपको दिख रहा है। अगर मैं बात करूं नॉर्मल बाकी फोन की, तो 20% रखता हूं मैं, तभी मुझे काफी अच्छा वहां पर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ओवरऑल बताऊं तो काफी जबरदस्त फोन है। वैसे आपको क्या लगा इसके बारे में बताइए जरूर कमेंट्स करके, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।